नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर के सादात थाना इलाके में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों के पास से दो तमंचा के साथ लूट की बाइक भी बरामद की है। दरअसल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि असलाह समेत बाइक सवार तीन बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसको पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच के साथ नंदगंज थाना सादात थाना की संयुक्त टीम ने कल देर शाम घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उसी दौरान बाइक सवार तीन लोग आ रहे थे, तभी पुलिस ने उन तीनों को रोकने लगे, जिसके बाद बाइक पर सवार दो लोग पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के साथ दो थानों की टीम ने दौड़ाकर असलाह समेत तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये बातें एसपी सिटी चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमारी पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम में सादात मौदिया ताल पुल के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान भीतरी की ओर से आ रहे बाइक सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बाइक सवार बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ समझ पुलिस टीम पर असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक सवार प्रमोद यादव, दिनेश यादव और विनोद राजवर नामक बदमाशों को मय असलाह समेत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद यादव ने बताया कि मैं राजेश यादव की भतीजी के अपहरण में जेल गया था, तब उसी समय मैंने योजना बनाया था कि मुझे राजेश यादव की हत्या करनी है। उसी समय शिवाबिंद के साथी मुलायम सिंह यादव से जेल में मुलाकात हुई थी, जिसने हमें राजेश यादव की हत्या में मदद करने को कहा था। साथ ही सैदपुर के व्यक्ति की भी हत्या करने के लिए कहा था। आज हम लोगों ने पैसे के लिए डॉक्टर को लूटने जा रहे थे ताकि अच्छे असलहे खरीद सकें। ये मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कल ये हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और इंस्पेक्टर सादात की टीम ये मोदिया तालपुर सादियाबाद है वहाँ चेकिंग कर रही थी। उनको सूचना पहले से थी कुछ अपराधी निकलने वाले हैं। उसी दौरान करीब 8:30 के लगभग तीन लोग मोटरसाइकिल से आते दिखे। पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो वो लोग फरार भागने की कोशिश की। पुलिस ने दौड़ाया तो उन्होंने फायर किया। इस पर पुलिस ने हिम्मत अमली का प्रयोग करके तीनों को अरेस्ट कर लिया। उनके कब्जे से 2 315 बोर के कट्टा और कारतूस मिले हैं और एक जिस मोटरसाइकिल से थे वो भी चोरी की थी, जिसके बारे में थाने में अभियोग पंजीकृत है। सर, पकड़े गए अपराधी क्या पुराने गैंग से संबंधित थे या नए गैंग? इनमें जो मुख्य है प्रमोद यादव, ये पहले भी एक अपहरण के केस में जेल जा चुका है और इन्होंने पूछताछ पे ये बताया कि एक तो जिसने मुकदमा लिखाया था उसकी हत्या करना चाहते थे और ये अभी नया नया गैंग बना है, जेल जा चुके हैं इसमें कुछ लोग, तो ये लोग पैसा इकट्ठा करके सलाह लेकर के कुछ हत्या करने की योजना बना रहे थे। और इसी क्रम में एक डॉक्टर का भी पता चला है कि वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं तो उनको लूटने की इनकी योजना थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन पर कार्रवाई कर दी और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनका ये बताया जा रहा है शिवाबिंद के संपर्क में है और ये जेल में जो आजमगढ़ का मुलायम सिंह यादव बंद है उससे भी इनके संपर्क हैं और इनकी प्राय बातचीत होती रहती है।